हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं यामा की अपकमिंग दो न्यू बाइक्स के बारे में। पहली बाइक है यामा की R15 V3 और दूसरी है FZ। आप कहेंगे ये तो बाइक ऑलरेडी मार्केट में है, चल रही हैं, लेकिन नहीं, मैं BS6 में आने वाली जो न्यू बाइक्स हैं, ये दोनों BS6 में आने वाली हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, टाइटल थंबनेल देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं यामा की दो न्यू बाइक्स के बारे में, R15 V3 और FZS, जो दोनों बाइक्स ही BS6 में जल्द ही लॉन्च होने वाली हैं। पहली बाइक की बात कर रहे हैं यामा R15 के बारे में, तो इसमें लगा है 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन। सेकंड बाइक यानी दूसरी बाइक में लगा है 149 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन, जो 5 गियर बॉक्स के साथ मिलता है। अब इन दोनों बाइक्स में मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि इन दोनों बाइक्स ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इनके जो BS6 वर्जन है उनको मत लीजिए, मैं सारा कुछ आपको क्लियर करूँगा। अपने पहले R15 के बारे में बात करते हैं। R15 में इन्होंने क्या किया है कि पहले ये देती थी अपनी 19.3 bhp की पावर, लेकिन अब ये देगी यानी BS6 वर्जन में देगी 18.3 bhp की पावर, तो यानी इन्होंने पूरा 1 bhp को कम कर दिया है। दोस्तों FZS की बात करें तो पहले FZS पहले देती थी 13.2 bhp की पावर, और अब दे रही है 12.3 bhp की पावर, यानी 0.9 bhp का फ़र्क पड़ा है। लगभग दोनों बाइकों में 1 bhp का फ़र्क पड़ गया है। यानी कुल मिला के हम बात करें तो दोनों बाइक्स की पावर पहले से कम हो गई है। यानी अगर पहली आपकी R15 अगर 150 से 155 160 तक पहुंच जाती थी, तो यानी अब वो बाइक आपकी 140 से 145 से ऊपर नहीं जाने वाली। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो बाइक्स के जो इंजन है वो पहले BS4 से BS6 में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि BS4 से BS6 में कन्वर्ट होने के कारण ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर हम होंडा की सीबी शाइन जो 125 सीसी में लॉन्च हुई है उसकी बात करें, तो उन्होंने अपनी BHP को 0.1 बढ़ाया है। अगर बढ़ाने की भी बात छोड़िए, कुछ ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि वो अपनी पावर को सेम भी रख सकते हैं। तो यानी अगर एक बाइक अपनी कंपनी एक बाइक अपनी बाइक को अगर अपनी BHP को बरकरार रख सकती है, तो दूसरी कंपनी क्यों नहीं रख सकती। यामा से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब होंडा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। यानी जो कंपनियां बात कर रही हैं कि हाँ हमारा BS4 से BS6 के करके जो BHP कम हो रहा है, वो सब बेकार की बातें हैं। अगर होंडा कर सकती है तो यामा भी कर सकती है। होंडा ने क्या किया है कि होंडा ने R&D पे काफ़ी ज़्यादा पैसा और काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। यानी R&D का मतलब मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट अपने इंजन की जो रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक ढूंढ डाली कि जिससे उनकी पावर की जो इंजन की पावर है वो बढ़ जाएगी और घटेगी नहीं। तो यामा ने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया। यामा यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर रहा है। यामा ये सोच रहा है कि मैं अच्छी लुक दूंगा, अच्छी मस्कुलर बॉडी बना के कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर दूंगा, इंडियन कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर दूंगा, तो इंडियन कस्टमर आंखें बंद करके उस बाइक को खरीद लेगा, क्योंकि इंडियन कस्टमर को तो नॉलेज है ही नहीं पावर और टॉर्क के बारे में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में इंडियन कस्टमर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुका है। उसे पता है कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ, जो चीज़ मैं लेने वाला हूँ, उसके बारे में पूरी पड़ताल करता है, जांच पड़ताल करता है, उसके बाद वो उस चीज़ को लेता है। तो यामा को समझना चाहिए, यामा को थोड़ा सा R&D में इन्वेस्ट करके अपने इंजन्स की जो क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए, BHP को बढ़ाना चाहिए, ताकि कस्टमर्स को वो ठीक ढंग से सेटिस्फाइड कर सकें। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए दोस्तों, कि जो यामा के जो रेट की बात करें तो 141,000 की आपकी R15 मिलती है और लगभग 97,000 की FZS मिलती है, और BS6 आने के बाद इनके रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी हम ज़्यादा रेट दे रहे हैं लेकिन हमें पावर पहले से भी कम मिल रही है। एटलीस्ट यार हमें उतनी पावर तो दो जितनी पहले आप दे रहे थे, आप उतनी पावर तो दे दीजिए कि जितनी आप पहले दे रहे थे BS4 मॉडल में जितनी थी, उतनी पावर भी आप नहीं दे सकते, तो फिर किस बेस पे हम इंडियन कस्टमर इस बाइक को खरीदें। मेरे हिसाब से लुक्स के बेस पे इस बाइक को लेना बेवकूफ़ रहेगा, क्योंकि लुक्स आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पावर के साथ जो कर रहे हैं कि पावर को कम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। एटलीस्ट हमें उतनी पावर तो मिलनी ही चाहिए जितनी पहले BS4 मॉडल्स में थी, क्योंकि हम रेट पहले से भी ज़्यादा देने को दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उतनी पावर तो हमें मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आपको R15 BS6 और FZ BS6 लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से BS6 में जो आपकी R15 और FZ आ रही हैं उनको आप बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि ज़्यादा पैसे देके कम पावर कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मेरे हिसाब से आपको BS4 मॉडल की R15 और FZS ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आपको अमाउंट भी कम देनी पड़ रही है और आपको पावर भी ज़्यादा मिल रही है।
तो मेरे हिसाब से आप BS4 मॉडल की FZ और R15 ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मैं जा रहा हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। अगर आप भी ड्राइव पे जाना चाहते हैं तो इस तरह का हेलमेट जरूर पहनिएगा, इससे आपकी सिर की सेफ्टी होती है। हाँ, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं तो इस तरह के ग्लव्स जरूर पहनिएगा जिसमें पैडिंग होती है, इससे अगर बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपके हाथ को और आपके सिर को, हेलमेट से आपके सिर को और इस ऐसे ग्लव्स से आपके हाथ को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।